वह हिंदू मुसलमान के नाम पर देश का विभाजन करता है, उग्र उग्र मुस्लिम बात को बढ़ावा देता है। तो एक जिन्ना का रास्ता था और एक गांधी का रास्ता। आज हिंदू तब भी गांधी मादी जीता था, आज भी भारत में जीत होगी उसी चीज जो गांधी के रास्ते पर चलने वाले। और जो तालिबान के युद्ध को गांधी के साथ तुलना करते हैं वो लोग महात्मा गांधी का और राष्ट्रीय आंदोलन में लगे हुए भारत के नेताओं का घोर अपमान करते हैं। गांधी का आंदोलन अहिंसा था, गांधी का आंदोलन था विदेशी शक्ति से सत्ता से भारत को मुक्ति दिलाकर स्वदेशी सत्ता से स्वतंत्रता लाना। तालिबान का वो नहीं है, तालिबान का अपने में अंतर में अंतर, एक सत्ता है उसको हटा करके हम दूसरी सत्ता लेंगे। और उस गांधी को आप तालिबान के आतंकवादी से तुलना कर रहे हैं, इसका मतलब आजादी के आंदोलन में गांधी के साथ लड़ने वाले हमारे जितने पूर्वज थे वो सब तालिबानी थे। आप उनको अपमानित कर रहे हैं, यह बहुत आपत्तिजनक तुलना है। ऐसी तुलना किसी को नहीं करना चाहिए। आप आतंकवादी की बात किया तो किसी ने कहा है यदि मोदी में ये मत है तो तालिबान को आतंकवादी घोषित करें। ओबेसी कौन है? भारत का राष्ट्रपति वो स्वयं तो कम संप्रदायवादी है, वह स्वयं उग्र संप्रदायवाद की बात करता है, वह स्वयं देश के विभाजन की बात करता है, वह हिंदू मुसलमान के नाम पर देश का विभाजन करता है, उग्र उग्र मुस्लिम बात को बढ़ावा देता है। तो एक जिन्ना का रास्ता था और एक गांधी का रास्ता। आज हिंदू तब भी गांधी मादी जीता था, आज भी भारत में जीत होगी उसी चीज जो गांधी के रास्ते पर चलने वाले। और नरेंद्र मोदी भारत को सही दिशा में ले जा रहा है। ओवैसी के हुकुम से नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे जाएंगे? भारत माता की जय। जो तालिबान के युद्ध को गांधी के साथ तुलना करते हैं वो लोग महात्मा गांधी का और राष्ट्रीय आंदोलन में लगे हुए भारत के नेताओं